जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक छोटा सा वर्ब पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जापानी जुबान में, और वो है चिगाऊ। ये चिगाऊ जो है ये बेसिकली वर्ब है, और ये जैसा कि आपको मालूम है कि ऊ पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? चिगाइमस। ठीक है, वर्ब की फॉर्म आप सारे हम तरीके पढ़ चुके हैं। ऊ पे खत्म होने वाले वर्ब की मस फॉर्म कैसे बनती है? ऊ हटा के इमस कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट यानी मुख्तलिफ है, इट इज डिफरेंट। ठीक है, चिगाओ चिगाओ। आपने कहा कि जनाब क्या ये पेंसिल है, तो मैं कहूँगा चिगाओ, यानी कि मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं है। यानी चिगाओ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ, चिगाओ का बराबर का जुमला क्या हो जाएगा? सो देवा नाई, सो जानाई दिस, सो जानाई दिस, ऐसा नहीं है। जानाई दिस को हम देवा अरिमासेन भी कह सकते हैं, तो सो देवा अरिमासेन, सो देवा अरिमासेन यानी ऐसा नहीं है। सो देवा अरिमासेन या सो जा अरिमासेन। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? चिगाओ के। जब मैं आपसे कहता हूँ चिगाओ चिगाओ, अच्छा रेगुलर फॉर्म में, जैसा आपको पता है रेगुलर फॉर्म जो वर्ब की वो बेतकल्लुफाना तरीके से कही कही जाती है, और जो पोलाइट फॉर्म होती है वो मस फॉर्म कही जाती है। तो अगर मैं किसी फॉर्मल जगह पे हूँ, शॉपकीपर हूँ मैं, और कोई कस्टमर मुझसे आगे कहता है कि जनाब ये पेंसिल है क्या, तो मैं कहूँगा चिगाई मस, यानी इट इज़ डिफरेंट, ऐसा नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो चिगाओ या चिगाई मस जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी जो है फॉर्म्स आप कर लें, चिगावा नाई डिफरेंट नहीं है, वा नाई, जैसे आपको पता है कि ऊ की ऊ पे खत्म होने वाले वर्ड्स की सेकंड लाइन क्या बनती है? ऊ हटा के वा नाई कर देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा? चिगाई मास है यानी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इस्तेमाल जो होते हैं ज़्यादा वर्ब वो है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? ते फॉर्म क्या हो जाएगी? चिगत्ते। ठीक है, और चिगावा नाई दे, ये ऐसे इस्तेमाल होता नहीं है, चिगत्ते चिगावा नाई दे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ऊपर खत्म होने वाले वर्ड्स की लाइन सारी आपको बनाना आती हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिकली चिगाओ की, कि चिगाओ किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो चिगाओ जो है वो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है कि आपने कोई पूछा, किसी आदमी ने आपसे कुछ कहा या कुछ पूछा, तो आपने कहा चिगाई बस, ऐसा नहीं है, चिगाओ चिगाओ, ऐसा नहीं। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी और बात बता दूँ, चिगाओ जो है वो वर्ब है, ठीक है, और चिगाई जो है वो नाउन है, चिगाई जो है वो नाउन है। अच्छा, चिगाई तो खैर लगनी, माँ चिगाओ का मतलब है गलती कर देना, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है माँ चिगाओ। माँ चिगाओ का मतलब है गलती करता हूँ, आई मेक अ मिस्टेक, आई विल मेक अ मिस्टेक, आई विल मेक अ मिस्टेक, आई की जगह यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। आई विल मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक क्या हो जाएगा? माँ चिगाई मस, माँ चिगाई मस। माँ चिगाऊ जो है वो वर्ब है, और इससे मिलता जुलता या इसी का, इसी को जो है अगर हम नाउन बनाए तो हो जाता है माँ चिगाई। माँ चिगाई का मतलब है मिस्टेक, ये माँ चिगाई जो है वो नाउन है, माँ चिगाई का मतलब है मिस्टेक यानी कि गलती। मैंने गलती कर दी, गलती कर दी जो है पास है, जो है चलिए अब इसी सारे फॉर्म बना लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कलर आपको साफ नजर नहीं आ रहा। माँ चिगाऊ, आई मेक, मैं मिस्टेक करता हूँ, गलती करता हूँ या गलती करूँगा, गलती नहीं करता या गलती नहीं करूँगा क्या हो जाएगा? माँ चिगावा नाई, आई डोंट या
आई वॉन्ट मेक मिस्टेक, राइटिंग में मत जाइए, आपको बता ही रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिए। यहाँ क्या होगा, माचिगाई मासेन, माचिगाई मासेन, यानी गलती नहीं करता या गलती नहीं करूंगा। गलती करो माची गत्ते, या गलती करके माची गत्ते, डोंट सॉरी मेक मिस्टेक, गलती करो मेक अ मिस्टेक, पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगा, माची गत्ते कुदासाई। इस तरह कोई कहता नहीं है, लेकिन हम क्योंकि ऊ पे खत्म होने वाले वर्ड्स की सारी फॉर्म आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि ऊ पे खत्म होने वाले वर्ड का इस तरीके से इस्तेमाल होता है। गलती मत करो क्या हो जाएगा, माची गावा नाई दे, डोंट मेक अ मिस्टेक, और इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी, माची गावा नाई दे कुदासाई, माची गावा नाई दे कुदासाई। अच्छा जी, गलती कर रहा हूं या गलती कर रहे हो, माची गत्ते इरू, माची गत्ते इरू, मेकिंग मिस्टेक, गलती कर रहा है या गलती कर रहे हो या गलती कर रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। नहीं, माची गत्ते इरू इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी, माची गत्ते इमस, ठीक है, गलती नहीं कर रहा, माची गत्ते नाई, नॉट मेकिंग मिस्टेक, माची गत्ते ई मासे, गलती नहीं कर रहा, गलती कर दी क्या हो जाएगा, माची गत्ता, मेड अ मिस्टेक, गलती हो गई, गलती कर दी, और इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी, माची गाई माशिता, ठीक है, माची गाई माशिता, गलती कर दी, माची गत्ता, सही बात है, माची गत्ता, एक्सक्यूज मी, गलती कर दी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई वर्ड की फॉर्म्स, और ये है माची गाई, माची गाई का मतलब मिस्टेक, ठीक है। इस वर्ड से मेरा एक खास यादें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एक थोड़ा सा फनी भी है। मैं जब पहली दफ़ा जापान गया तो 87 की बात है, फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू कर दी, तो पहला दिन था फैक्ट्री में हमारा मजदूरी का, और हमारे साथ जो दूसरे साथ थे वो पाकिस्तानी इंडियन थे, और उन्होंने जो है वो वहाँ पर पुराने काम करते थे, दो तीन साल से उस कंपनी में काम कर रहे थे। तो मेरा पहला दिन था और फैक्ट्री में मैं पहला दिन था और जापान में बिल्कुल नया नया था, उनको थोड़ा सा मजाक सूझा और उन्होंने मुझसे कहा कि देखना गलती मत करना, वरना यहाँ पे ये गाली देता है, ये माँ बाप की गाली देता है, ये मादर पितर गाली देता है, जरा ख्याल रखना, बॉस जो है ना फैक्ट्री का वो गालियाँ देता है। तो मैंने कहा यार मुझे गाली देगा तो मैं मारूंगा, मैं गालियाँ नहीं किसी की सुनता हूँ, मुझे गाली देगा तो मैं मारूंगा। वो कहा नहीं नहीं ऐसा मत करना। खैर वो हंसने लगे, बात खत्म हो गई, मैंने कहा ऐसी बात की होगी। अच्छा हुआ ये इतफाक से कि मैं वो फैक्ट्री के वो जो होते प्लेट्स में कुछ काम कर रहा था, तो कुछ सामान था वो मैं रख रहा था, तो मैं गलत जगह पर रख रहा था, कुछ काम में गलती कर रहा था, तो बॉस ने मुझे दूर से देखा, उसने कहा माचिगाई माचिगाई माचिगाई। अब वो कह रहे माचिगाई, अब मैं जहन में क्या आया मेरे कि उन्होंने कहा था गालियाँ दे रहे, तो मैं उसकी तरफ भागा, मैं इसको साले को मैं मारूं, मुझे गाली क्यों दे रहा। अच्छा मजे की बात है कि वो साहब मेरे साथ काम कर रहे थे, मैं बॉस की तरफ भागा, वो मेरी तरफ भागे, और उनकी समझ में आ गया कि इसके दिमाग में क्या बात आई, वो समझ गए कि इन्होंने तो मुझसे कह दिया था कि ये ना गाली पकेगा तुम्हें, और मैंने कहा था कि गाली पकेगा तुम्हें मारूंगा इसको, वो समझ गया कि ये मारने के लिए लपक रहे हैं। मैं बॉस की तरफ लपका, उधर से जो है वो मेरी तरफ लपके, और उन्होंने इससे पहले कि मैं बॉस तक पहुँचता हूँ मुझ तक पहुँचा, और मुझे कस के दबा लिया, मैं छोड़े मुझे मैं साले को बता दूँ, तो वो फिर हंसने लगे, वो हंसने लगे तो मैं क्या हंस क्यों रहे, तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि भाई कोई गाली वाली तुम्हें नहीं दे रहा, वो माचिगाई कह रहा है, माचिगाई जापानी वर्ड है, इसका मतलब मिस्टेक। तो मैं कूल डाउन हुआ, शर्मिंदा भी हुआ। अब ये बॉस मुझसे हैरान कि ये क्या हुआ, क्या ये इधर भाग रहा था, इसने इसको क्यों पकड़ा, क्या हुआ, क्या बॉस की समझ में आया। तो खैर वो बाद में जो है वो उन्होंने उसको बॉस को समझाया, वो बॉस और वो दोनों हंसे, फिर वो जो है फिर बॉस जो है ना मुझसे वो रिकॉर्ड लगाता था, यार नो यार नो यार नो यार नो, मतलब आप करोगे,
झगड़ा करो मुझसे, मतलब बॉस मतलब मुझसे हंसता था कि वो मेरा मजाक उड़ाता था कि तुम मुझसे झगड़ा करने आ रहा था ना, हाँ तू लड़ेगा मुझसे, लड़ेगा यारू नो। तो यारू एक वर्ब है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यारू और शुरू एक ही मतलब है, यारू का मतलब भी करना है और शुरू का मतलब भी करना है। यारू जो है स्वारू पैटर्न का वर्ब है, तो यारू की मस फॉर्म क्या हो जाएगा, यारी मस, ये हम शायद पहले पढ़ चुके हैं। तो ये यारू का मतलब है करना, यानी झगड़ा, जब खाली कोई आपसे तो यारू हो मतलब तो करोगे झगड़ा करोगे क्या। तो मैं फिर शर्मिंदा हो जाता था, हंसता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल्चरल शॉक्स होते हैं जब आपको दूसरे के कल्चर का जुबान का पता नहीं होता तो आप बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो उन्होंने मुझे अगर पकड़ ना पकड़ा होता तो पता ही, मैं उसको मारता, बॉस मुझे मारता, पुलिस आती, क्या होता क्या नहीं होता। तो वो उस दिन उन बड़ा वो एक सेकेंडों में ये खेल हुआ और सेकेंडों में वो चीज़ कंट्रोल हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेज जो है, ये वर्ड जो है माचिकाई, इसका मतलब है मिस्टेक, ठीक है, माचिगाई, माचिगाई, ठीक है। तो ये माचिगाऊ गलती कर जाना, और माचिगत्ता गलती कर दी, माचिगाई गलती, और माचिगावा नाई दे गलती मत करना, माचिगावा नाई दे को साई गलती मत कीजिए, ठीक है। आप सुहास है माचिगत्ता, आप सुहास है माचिगाई माश्ता, गलती हो गई, पोलाइट फॉर्म है माचिगाई माश्ता और रफ फॉर्म है माचिगत्ता। तो ये एक छोटा सा वर्ब था तो मैंने आपको साथ डिस्कस करना था, आपको मालूम होना चाहिए। जब पता चल जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, जब तक नहीं पता होता तो बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज़ आपको नहीं पता तो बस बहुत मुश्किल है, और अगर पता चल गई तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। कोई सवाल करना हो तो मैसेज ज़रूर करें, आपके मैसेजेस से मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो का लेवल क्या है, कोई कुछ बेहतर कर रहा हूँ मैं या कैसा कर रहा हूँ, तो उस कमेंट्स ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो चलते हैं आज के लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। बंटी भैया आपने कहा था कि वो शी मी जो है वो क्या है, तो वो लेसन नंबर 33 मेरा जो JLPT N5 की ग्रामर का लेसन नंबर 33 आप पूरा देख लें, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जब दो वर्ब्स होते हैं वो मिलाते हैं, एक काम करने के लिए जाना क्या होता है, एक काम करके दूसरा काम करना उसके लिए क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेसन नंबर 33 आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोज़ाइमाशिता।